नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर प्लेन्स? प्लेन्स से आप समझते होंगे जो वैली और माउंटेन्स के बाद का एरिया होता है वो प्लेन्स कहलाता है। और भारत में सबसे बड़ा जो प्लेन एरिया है वो गैंगटी प्लेन एरिया है। इसके अलावा कई और, इस गैंगटी प्लेन एरिया को हम फ्लड प्लेन एरिया भी कहते हैं। इसके साथ साथ आपका कोस्टल प्लेन एरिया होता है। कोस्टल प्लेन एरिया वो होता है जो समुद्र के किनारे होता है। तो इसे हिंदी में हम मैदानी क्षेत्र भी कहते हैं। जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं, जैसे कि मैं एटा में रह रहा हूँ, कुछ बच्चे फर्रुखाबाद में रह रहे हैं, कुछ बच्चे बिहार में रह रहे हैं, तो इस तरीके से ये जो गंगा के किनारे का जो एरिया होता है वो फ्लड प्लेन एरिया भी बोला जाता है और गैंगटिक प्लेन एरिया भी बोला जाता है। इसके अलावा हमारा यहाँ पर, इसे हम कई लोग एलुवियल प्लेन्स भी कहते हैं। अच्छा, इसे एलुवियल प्लेन्स क्यों कहा जाता है? एलुवियल प्लेन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब फ्लड मीन्स बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ जो मिट्टी बह करके आती है वो एलुवियल सॉइल होती है, इसलिए हम इसलिए इसे एलुवियल प्लेन्स भी कहते हैं। एलुवियल जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। इसके अलावा जो आपका कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया का मतलब है समुद्र के किनारे का जो क्षेत्र होता है वो भी प्लेन एरिया में आता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो आपका गंगा के किनारे का क्षेत्र, इसके अलावा जो वैली के आउटर जो एरिया होता है उसे भी प्लेन एरिया होता है, और जो लोलैंड होता है, जो निचला भाग होता है, उसे भी हम प्लेन्स के नाम से जानते हैं। तो प्लेन्स का मतलब मैदानी क्षेत्र। ये मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आपके समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे दिए हैं जो गैंगटिक प्लेन्स के नाम से हैं, उसे ही हम फ्लड प्लेन्स भी कहते हैं, एलुवियल प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ आपका पेनी प्लेन्स भी जाना जाता है। पेनी प्लेन्स क्या होता है? पेनी प्लेन्स जो आपके होते हैं वो, पेनी प्लेन्स का मोस्टली एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जहाँ पर मोस्टली समुद्र के किनारे, जहाँ पर ह्यूमिड रहता है, जहाँ का जो क्लाइमेट मोस्टली ह्यूमिड रहता है, और समुद्र के किनारे का जो क्लाइमेट होता है वो मोस्टली ह्यूमिड रहता है, तो ये पेनी प्लेन्स होते हैं। इसे हम कोस्टल प्लेन्स भी कहते हैं।